आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है और अगले दशक में वैश्विक स्तर पर भारत की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की उम्मीद है। इस विकास को बनाए रखने के लिए भारत को स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता है। यहाँ लोग बेहतर जीवन के लिए खुद को सक्षम बनाने में लगे हैं और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ सितारा है, जो दुनिया भर में लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। जेनेरिक दवाओं की इस ताकत की पहचान कर एवं इसका लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत देश भर में अपने नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य लोकप्रिय बाजार ब्रांड्स की दवाइयों की कीमत की तुलना में लगभग 50% से 90% तक रियायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन इन दवाइयों की गुणवत्ता या प्रभाव उन महंगी दवाओं के बराबर ही है। सरकार ने जन औषधि केंद्र नामक फार्मेसियों की स्थापना की है, जहां ये दवाएं देश भर में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान आम नागरिकों को इस योजना से बहुत लाभ हुआ है और इससे नागरिकों के लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। यूं तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी, लेकिन इसे फिर संबल प्रदान किया गया। वर्तमान सरकार की दृष्टि के तहत राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए इसे प्रोत्साहन दिया गया। फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल रखा गया है, जिसमें उद्यमियों को न केवल दवाओं की बिक्री पर कमीशन मिलता है, बल्कि दवाओं की बिक्री पर इंसेंटिव के रूप में आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में जहां सुविधाएं कम है, वहां पर केंद्र खोलने के लिए योग्य मामलों में 1,00,000 रुपए तक का प्रारंभिक अनुदान भी मिलता है। स्टोर खुलते रहे और अभी तक 9,000 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं। सभी प्रमुख चिकित्सकीय समूहों को कवर करते हुए दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की संख्या भी बढ़ती रही है। पिछले 8 वर्षों में योजना के तहत खोले गए केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री भी 100 गुना से अधिक बढ़ी है। लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक 10,000 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य रखा है। दो स्तरीय गुणवत्ता जांच द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए PMBI के पास एक प्रभावशाली व्यवस्था है। दवाएं केवल WHO GMP प्रमाणित कंपनियों से ही प्राप्त की जाती हैं और NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनका पुनः परीक्षण किया जाता है। दवाओं के निर्माता प्रतिष्ठित हैं और उनमें से कई तो 100 से अधिक देशों में दवाओं का निर्यात करते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। ये कंपनियां उच्च गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखती हैं, चाहे वो कच्चे माल की खरीद हो या उत्पादन प्रक्रिया पैकेजिंग या अंतिम उत्पाद लेबलिंग, और यहाँ निर्धारित तापमान रखरखाव के मानकों का भी पालन किया जाता है। ये योजना सरकार द्वारा गठित एक सोसाइटी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी PMBI द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जहां थोक मात्रा में निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया द्वारा खरीद की जाती है और बड़े पैमाने की खरीद लागत को कम करने में मदद करती है। पूरे देश को कवर करने के लिए PMBI के अपने 4 विशाल गोदाम हैं। उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में सूरत और पूर्व में गुवाहाटी में दवाओं के भंडारण के लिए WHO GDP दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाता है। ये योजना जन औषधि केंद्र स्तर और वितरक स्तर पर पॉइंट ऑफ सेल यानी POS एप्लीकेशन के साथ IT सक्षम एंड टू एंड सप्लाई चेन सिस्टम के साथ उन्नत तरीके से काम करती है। पूरे भारत में 36 वितरकों का एक मजबूत नेटवर्क है, जो पूरे देश में दवाओं की मांग को कुछ घंटों में पूरा करने में सक्षम है। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप दवाओं की आसान खोज और गूगल मानचित्र पर दुकानों के स्थान की खोज की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपने पास के केंद्र को ढूंढ सकता है और दवाई की कीमत का विश्लेषण भी कर सकता है। इस परियोजना ने पर्यावरण के अनुकूल सुविधा सैनिटरी नैपकिन मात्र 1 रुपए प्रति पैड पर उपलब्ध कराकर देश में एक सामाजिक क्रांति ला दी है, जो ब्रांडेड बाजार के उत्पादों की तुलना में
लगभग 75% सस्ता है। ये सुविधा महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के लिए सरकार में उच्चतम स्तर पर समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों के साथ बातचीत के अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं एवं लगभग 9 से 10 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। आज जन औषधि केंद्र देश के नागरिकों को सस्ती एवं अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाकर स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।